Oh. Welcome, Major. Excuse me? Uh-huh. My name is Rat Mom. How are you? I'm fine, thank you. And you? Oh, I'm fine, thank you. You like Rat Monster? I heard of something that you don't like. If I ask you something, do you hate him? Are you understanding? What? It's like, you know, there's a full of questions that I can ask you, but it's not that I'm asking because you hate Rat Monster, so I'm gonna ask you why I'm asking for that. What? What is this, huh? Are you a foreigner? शुगर है? नहीं, मैं हूँ फादर लुइस विलियम शुगाइडन। मैं उनकी तीसरी पीढ़ी में से हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था कि तुम काफी खूबसूरत होगे, क्योंकि तुम एक प्रिस्ट हो, मगर तुम्हारे चेहरे पे तो काफी बाल हैं। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं तो फादर, आप इतने गोरे कैसे हैं? क्या आप कोई अंग्रेज हैं? तो मैं जिसके बारे में बात करने आया हूँ, उसका नाम है जिमी। हमारे फैंस की तरफ से हमें कुछ गिफ्ट मिले थे जिसमें अंडरवेयर्स थी। क्या तुम लोगों को गिफ्ट में अंडरवेयर्स मिली? हाँ, एक ही ब्रांड और एक ही डिजाइन की। तो फिर मैंने और जिमी ने फैसला किया कि हम अपनी अंडरवेयर्स पे अपने नाम लिख लेंगे। ये तो तुम लोगों ने काफी समझदारी का फैसला किया, मगर क्या हो जाता है एक दूसरे की पहनते रहते। मैंने लिखा आराम और उसने लिखा JM, तो हमने ऐसे किया। आराम JM। आप तो जानते ही कि कपड़े धोने के बाद उस पे लिखा हुआ धुल जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, नाम जरूर धुलते हैं, जरूर। और फिर एक दिन जिमी ने मुझसे बहुत लड़ाई की, बहुत गुस्सा किया मुझ पर उसने। उसने कहा तुमने क्यों मेरी अंडरवेयर पहनी, और मैं भी उस पर उल्टा गुस्सा करने लगा। मैंने जिमी से कहा मैंने तुम्हारी अंडरवेयर कभी भी नहीं पहनी, मगर सच कहूँ तो मैंने पहनी थी। जैसे आपके दोस्त की अंडरवेयर हो और बहुत ज्यादा धुल चुकने की वजह से उसके ऊपर नाम भी मिट चुके हों, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। कितनी बार पहना तुमने इसको? मुझे लगता है 22। और मैंने जिमी के सामने कसमें उठाई कि मैंने तुम्हारी अंडरवेयर कभी नहीं पहनी। मैं जिमी से बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पर। अगर जिमी अपना नाम दोबारा उस पर लिख ले तो फिर मैं वो कभी नहीं पहनूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो इतनी पहनने की हालत में भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी गुनाह माफ करता हूँ। शुक्रिया फादर। अब तुम जिमी को 5 अंडरवेयर खरीद कर दोगे। फादर आप फिक्र मत करें, मैं उसे 10 अंडरवेयर खरीद कर दूंगा। दोबारा कभी किसी की अंडरवेयर मत पहनना, चाहे तुम्हारी अपनी क्यों ना फट गई हो, उससे क्यों ना बदबू आ रही हो, लेकिन दोबारा किसी की मत पहनना। घर जाओ और सुकून करो, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं। शुक्रिया फादर, खुदा हाफिज। हाँ बोलो, क्या गुनाह किया है तुमने? फादर मेरा नाम वी है और मैंने बहुत गुनाह किए हैं। फादर मैंने जो गुनाह किया है वो काफी सीरियस है। ठीक है, बताओ मुझे इनके बारे में। मेरा एक दोस्त है किम सुकजिन। ये ज्यादा बड़ा गुनाह तो नहीं है। ओके। ये एक फनी स्टोरी है, लेकिन मैं इसे स्किप कर दूंगा। हाँ, उसका नाम सुनते ही मुझे पता चल गया था ये कुछ फनी ही होगा। मेरा एक और दोस्त है मिन जुंगी। क्या अब तुम नहीं पूछोगे ये फनी स्टोरी है या नहीं? मेरा ख्याल है पहले सुन लेते हैं। ये जो गुनाह मैंने किया है ये काफी सीरियस है, और ये मिन जुंगी के बारे में है। सीरियस गुनाह मिन जुंगी के बारे में, क्या है ये? लिविंग रूम के पास जो बाथरूम है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ जब मैं क्लींजिंग सोप के साथ अपना चेहरा धो रहा था, और जब मैं चेहरा धोने के बाद टॉवल यूज करने लगा, तो मुझसे टूथब्रश नीचे गिर गया। मुझे माफ करना, लेकिन वो टॉयलेट में गिर गया था। वो ब्रश मिन जुंगी का था। इसी वजह से मेरा ब्रश हमेशा गीला होता था, आप समझा। हाँ, मुझसे ये गलती से हो गया था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, तो मैं उसे सही से धो भी नहीं पाया। मुझे लगता है ये काफी सीरियस गुनाह है। ठीक है, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करता हूँ। फादर मिडिल फिंगर क्यों? इस फिंगर को पकड़ लो, मिडिल फिंगर से तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जाओ घर जाके मजे करो, और तुम कोई इतने फनी नहीं हो। अच्छा फादर, जाओ अब दफा हो जाओ। रुको, तुमने ये मेकअप से काम बनाया है ना, जैसे तुम्हारा नाक मेरा हो। मैंने सोचा ऐसा करके मैं शो को थोड़ा फनी बना दूंगा। जाओ यहाँ से, शक्ल गुम करो अपनी, ये कोई इतना भी फनी नहीं था।